धनबाद के बदियापुर क्षेत्र आमझर मोड़ स्थित अभियान हार्ट कोक इंडस्ट्रीज के समक्ष रात 11 बजे एक कोयला लदी हाइवा वाहन ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक कार चालक बाल बाल बचा। इससे आमझर बस्ती का विद्युत लाइन विच्छेद हो जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं घटना के विरोध में काफी संख्या में ग्रामीण अभियान हार्ट कोक इंडस्ट्रीज के समीप पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान अभियान हार्ट कोक के मैनेजर स्वरूप कुमार दास के साथ ग्रामीणों की काफी नोकझोंक हुई। वहीं सूचना पाकर बलियापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने इसके विरुद्ध बिजली विभाग को शिकायत करने के पश्चात बिजली विभाग की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीण कोयला लदे कई हाइवा वाहन को आगे जाने से रोक दिया है। ग्रामीण वाहनों पर लदी कोयले को अवैध होने का आरोप लगाते हुए पुलिस से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ चार भट्टा है, चार कोयले की भट्टा है। यहाँ पे जो है रात को जो है अवैध रूप से जो है कोयले की गाड़ियाँ जो है घुसती है, और यहाँ पे इतना प्रदूषण फैला के रखा है ये लोग। किसी तरह का प्रदूषण पे कोई नियंत्रण नहीं है, जो मापक है उस हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। खुले में आप जाके देखिए, भट्टे के अंदर घुसिए, पूरा जो है कोयला जो ऐसे पीसा जा रहा है एकदम खुले में, और चारों तरफ जो यहाँ खेती बाड़ी जल सब कुछ दूषित हो चुका है। अब क्या हुआ कि अचानक हम जा रहे थे रात में, मेरे आगे में तीन हवा एक साथ जा रही थी। उसी में से क्या हुआ कि मेरे आगे जो हवा थी वो 11,000 का, देखिए गई रास्ते में 11,000 का बिजली का जो है तार इसी में पार हुआ है। 11,000 का तार जो है कि पीछे जो गाड़ी बैक करने के चक्कर में वो तार जो है कि पूरा कंप्लीट मेरे गाड़ी के ऊपर गिर गया। ये तो ऊपर वाला का बहुत कर्म था कि किसी तरह हम जान बचा के वहाँ से निकल गए। लाइन उस वक्त चालू था, हम गाड़ी से निकल के सबसे पहले बिजली विभाग को फ़ोन किए तो बिजली विभाग का कहना था कि लाइन ऑटोमेटिक कट गया है, ट्रिप कर गया है। फिर हम गांव वाले को सूचना दिया, गांव वाला आया, उतने में जितने भी यहाँ हाईवा का ड्राइवर था सभी से बारी बारी से हमने जब पूछा तो किसी के पास कोई कागजात नहीं था। रोड पे दिक्कत ये है कि हमारा ये ग्रामीण रोड है और ग्रामीण लोग का हम लोग का बहुत तकलीफ है। ये रोड भट्टा वाला लोग कभी ना रिपेयरिंग करते हैं ना बनाते हैं, कुछ भी नहीं। 70 टन 60 टन लोग वाहन करके ले जाता है अपना कोयला और चलाता है, और वो हमारे गांव का जो है तमाम ये अगल बगल गांव का मजदूर ये लोग हैं, माँ बहन जितना भी है ये लोग उसमें काम करते हैं। और ये लोग पर जुल्म ढाया जाता है कि ये लोग को पेमेंट कम देता है, उसका बाद रात तक खटाता है। पेमेंट कितना देता है बोलो, देखिए सुन लीजिए, कम दे 250 की हाजिरी दे को कुछ हो ले हाँ देरी से आसे तो हमारे बिलक तरह घर चली जाए इग्नोर लगते हो पक नहीं तो दी और जो दो एक दिन नहीं ऐसा तो बिलक लागे सीना हटे जाए किन टोले 250 रुपया। हाँ काम करना तो करो, रहे घर घर निकलो जा गेट से 8 घंटा। फिलहाल आक्रोशित ग्रामीण भट्टा के द्वार के समक्ष सड़क पर डटे हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि भट्टा वैकल्पिक रास्ता बनाए ताकि ग्रामीणों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।